व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट कैरम लर्निंग यूट्यूब चैनल की एक और नई कैरम लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने दो दो धमाकेदार ब्रिक्टो फिनिश मारे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे वो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक ब्रेक, काफ़ी अच्छा ब्रेक हमने मारा, उसके बाद में एक सीधी जा रही थी उसे ओपन करी और ये क्रॉस कट मार के पोजीशन पे स्ट्राइकर लाने की कोशिश और ओपन करने की कोशिश। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ तो दो कॉइन अटकी हुई है जो हमारे सेंटर में, तो ये ब्लैक को उठाते हुए एक थमकी कॉइन मारी हमने, तो पीछे वाली कॉइन अभी जाने के लिए रास्ता हो गया। तो अब इसको हम स्ट्राइकर लगा रहे हैं, बहुत ही बचा के स्ट्राइकर लगा रहे हैं और ये ज़ोर से मारा बम, तो एक कॉइन जो साइड में थी वो भी, दोनों कॉइन पॉकेट चले गई इसमें, तो अभी भी पोजीशन कुछ ओपन हुआ नहीं। तो एक और बम मारा हमने, एक और सीजर से बम मारा, उसके बाद में पोजीशन अगर मैं देख रहा हूँ तो क्वीन सीधी है और ये दोनों कॉइन थोड़ी सी मुश्किल है। तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन स्ट्रोक का अटेम्प्ट हम करेंगे, पहले यह क्वीन को मार लेते हैं। क्वीन को मारने के बाद में अब ये डिफ्लेक्शन स्ट्रोक का अटेम्प्ट हम लोग करेंगे। देखो, कल वाले वीडियो, कल का ही ये वीडियो है जो बहुत ज़्यादा हो जाती क्वांटिटी, इसलिए मैंने जो आज के इसमें डाल रहा हूँ आपको। तो ये डिफ्लेक्शन स्ट्रोक अटेम्प्ट किया जो मिस हो गया, और कल वाला एक डिफ्लेक्शन स्ट्रोक आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, आपने कमेंट में मुझे बताया था, तो इसीलिए मैं ये भी वीडियो डाल रहा हूँ ताकि कभी कभी मिस भी हो जाता है डिफ्लेक्शन, तो वही हुआ, एक डिफ्लेक्शन स्ट्रोक मिस हुआ। एक्चुअल में उसको ज़ोर से मारना था ताकि वो कॉइन जो है दूसरी वाली लग के पूरी पॉकेट तक आए, लेकिन उस वजह से मिस हो गया। खैर, अभी ये एक टन मिस हुआ है, बाकी अभी सब खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो पॉकेट, दो अटेम्प्ट करा हमने, उसमें से एक गई पॉकेट में और उसके बाद में अब पांच कॉइन है। पांच कॉइन में मुझे एक खाली डबल टच मारना ऐसे नज़र आ रही है, बाकी तीन तो सीधी जा रही है, ये थोड़ी सी कट मारनी थी। उसके बाद में ये दोनों सीधी है और एक डबल टच अगर मारते हैं हम लोग तो ये फिनिश हो जाएगा। तो ये एक सीधी कॉइन, उसके बाद में ये भी एक सीधी कॉइन और ये लास्ट में डबल टच की, डबल टच अटेम्प्ट करेंगे और ये डबल टच सक्सेसफुल, तो एक अच्छा फिनिश है। तो ये है आज का जो गेम प्ले है मेरा, तो आज की शुरुआत हमने करी है यहाँ से। तो ये है एक ब्रेक टू फिनिश जो अभी कंप्लीट हो चुके, हमारे 57th वा ब्रेक टू फिनिश है ये। तो ब्रेक अगर देखते हैं स्लो मोशन में फिर से एक बार, तो ये ब्रेक देखिए किस तरह से हुआ है, जहाँ पर से स्ट्राइकर जाना चाहिए वहीं पर लगा, एकदम एक्यूरेट पोजिशन है। बम है इसमें, एक बम आ चुका है रेडीमेड, तो एक थंब में भी है पीस, एक सीधी जा रही है और बाकी पोजीशन ओपन करना कैसे है तो बम से ओपन करेंगे। तो पहले जो जा रही है उसको मार लेते हैं। थंब वाली हमने रखी है कवर, तो ये देखिए, देख रहे होंगे आप मेड इन इंडिया जहाँ पे लिखा है वो भी पीस जा रही है। तो मैं पहले देख रहा हूँ कि बम बाबा लग रहा है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लैक भी है तो स्ट्राइकर बैठ रहा है या नहीं, अगर स्ट्राइकर बैठेगा भी तो ग्रिप बनेगी या नहीं, ये चीज़ चेक कर रहा था मैं। तो मैं बोला बम बिल्कुल बन रहा है, ग्रिप भी सेट हो रही है, तो अब इसको सीधी मार लेते हैं। सीधा मारेंगे और एकदम सीधा नहीं मारेंगे, थोड़ा ब्लैक को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसका हटाने की कोशिश इसलिए करी क्योंकि स्ट्राइकर सीधा मार तो डबल डिव जाता है, इसलिए ब्लैक पे स्ट्राइकर मारा। अब ये बम जो मैंने बोला, ये बम मारेंगे हम लोग, तो ग्रिप बन रहा था, एक उंगली का ग्रिप बनाया हमने और बम मारा। फिर से एक बार स्लो मोशन में इसको आप देखिए और समझिए। तो ये बम इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा बेहतरीन बम लगा कि सब कॉइन एकदम ईजी हो गई है, सब कॉइन खुल चुकी है, एक दो तीन चार पाँच और क्वीन, एक छः कॉइन हमें मारनी और छः की छः इजी जा रही है। और ये इतना पावरफुल स्ट्रोक है ये बम स्ट्रोक। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई सब कुछ सही है या नहीं, ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि क्या जा रहा है, कौन सा कवर मारना है, कौन सी पहले कौन सी बाद में, वो दिमाग में सेट कर रहे हैं हम लोग। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे डाउट लगा कि एक वाइट शायद अटकी हुई है, तो वही मैं देख रहा हूँ कि नहीं नहीं अटकी तो नहीं है, सीधी जा रही है, क्यों अटकी है, तो वो मैं चेक कर रहा था। तो अगर वो अटकी होती तो फिर मैं अभी ब्रश मारता, यहाँ से ब्रश मार, अभी जो कॉइन मारा उसको ब्लैक को हटाकर ब्रश मारता तो वो निकल जाती ऐसे, लेकिन मैं देखा कि ये साइड की पॉकेट में काफ़ी आसानी से जा रही है, तो पहले तो जो जा रही है उसको सिंपल मार लेंगे। अभी डायरेक्ट क्वीन पे अटेम्प्ट हम लोग करेंगे, क्वीन मारने की डायरेक्ट कोशिश करेंगे। तो क्वीन मारेंगे, उसके बाद में कवर थंब में, काफ़ी आसान कवर है। तो ये कवर मारने के बाद देखिए, यही कॉइन की मैं बात कर रहा था जो लास्ट में बची है, तो ये अटकी है या नहीं, जा रही है या नहीं, ये कन्फर्म करना था मुझे। तो ये बिल्कुल सीधी जा रही थी, जा रही है। तो ये एक प्यारा सा सिंपल सा ब्रेक टू फिनिश इतना आसानी से कैसे हो गया, मतलब क्योंकि वो बम स्ट्रोक लगा जहाँ पे सेंटर में लॉक पोजीशन था। तो बम अगर आता है तो किस तरह से हम बम से पोजीशन कर सकते हैं और क्या हो सकता है, उसका एक बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा। अब कोशिश करेंगे हम लोग कि सारी ब्लैक भी ख़त्म करी जाए, ब्लैक भी मारने की कोशिश करेंगे। जैसे
मैं नॉर्मली ऐसे ही करता हूँ, जब भी ब्रेक मारता हूँ उसके बाद मैं ब्लैक भी मारने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी ग्रैंड स्लैम हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाती है, तो ऐसा कुछ होता है। तो मैं, जैसे आप लोग बोलते हो नीचे कमेंट में कि आप पूरा वीडियो डाला करो, तो मैं आज के इसमें जितने भी ब्रेक मैंने डाले हैं उसमें मैं पूरा पोजीशन डाल रहा हूँ आगे पीछे का, मतलब वाइट स्लैम भी हुआ है, तो वाइट स्लैम के बाद मैं ब्लैक को भी जो हमने अटेम्प्ट करा है वो भी हम डालने की कोशिश कर, मतलब डाल रहे, कोशिश क्या कर रहे हैं, तो डाल ही रहे। अब यहाँ पे 4 कॉइन बची है, एक कॉइन मतलब जो रिटर्न के जैसी है, थर्ड पॉइंट के जैसी है, तो वो हारे, और एक ये कॉइन हारती, तो ये कॉइन एक मिस हो गई। और मिस होने के बाद ये एक स्ट्रेट कट मार के जो डिफ़िकल्ट कॉइन थी उसको हमने आसान किया, तो ये मिस नहीं होती तो हम ये ग्रैंड स्लैम काफ़ी आसानी से मारते। अब तो मतलब ही नहीं था, ये बहुत आसान थी, लेकिन मैं इसको क्या बोला कि मैं खुद एक्सपेरिमेंट किया कि इस कॉइन से अगर हो सकता है कि यहाँ पर जो सामने वाले के पॉकेट पे अगर एक कॉइन होती तो क्या मैं उसको रिलीज़ कर सकता था उस कॉइन से, वो मैं दिमाग में सोच के मैंने जानबूझ के वैसे मारा। हालांकि मैं वो साइड से मारता तो काफ़ी आसानी से हम उसको पॉकेट कर सकते थे, लेकिन वो एक थॉट रख के मैंने मारा दिमाग में कि ये कॉइन से देखो अगर सीधी सीधी रास्ता रहेगा तो लॉक पोजीशन भी ओपन हो सकता है, वो दिमाग में रख के मैंने मारा था वो कॉइन, और उससे होता भी है। और ये डबल ड्यू का आप ये मत देखो कि डबल ड्यू हुआ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया था। तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेक है, 2 कॉइन सीधी सीधी गई है पॉकेट में, और इसमें भी एक बम के लिए आई है, 2 बम है इसमें, लेकिन दूसरा बम कुछ काम का नहीं है। तो पहले तो सीधी सीधी क्वीन जा रही है ब्रेक में, ब्रेक होने के बाद में मेरा ब्रेक ही इतना अच्छा होता है कि क्वीन सीधी आती है मेरे को हमेशा। आपने बहुत से ब्रेक टू फिनिश मेरे देखे होंगे, तो उसमें मैं पहले ही टर्न में क्वीन अटेम्प्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो आती है मेरे को सीधी जाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेक होता है जब भी क्वीन आपको सीधी जाती है। तो ये एक बम आया था, इससे हमने थोड़ी बहुत कॉइन ओपन कर ली, सीधा सीधा मार के जो थी हमारे पास में उसको ओपन कर लिया। अब दूसरा बम तो नहीं जा रहा है और ये पोजीशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि क्या करेंगे हम लोग। तो इसको पहले तो ये बम नहीं है, तो इसको फ्रेम और स्ट्राइकर के सपोर्ट पे पंच करेंगे पॉकेट में ब्लैक को बचाते हुए। तो ब्लैक को बचाते हुए हमने मारा और ये पंच किया पॉकेट पे, तो ये काफ़ी आसानी से चली गई। अगर वो वहाँ पे ब्लैक नहीं होती तो ये एक बम की कॉइन थी जो अभी हमने मारी थी। अब मैं देख रहा हूँ तो 4 कॉइन है बोर्ड पे, एक कनेक्शन मुझे दिख रहा है, और ये कॉइन तो मुझे ना सीधी जा रही है ना वाइड एंगल से जा रही है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी कि इस कॉइन को वाइड एंगल से देखो, मैं दूर आके देख रहा हूँ, यहाँ से भी नहीं जा रही, वहाँ पे भी एक ब्लैक है जो उसको एंगल से मारने नहीं देंगी, और यहाँ पर से क्रॉस कट से भी तो कोई चांस ही नहीं है, स्ट्राइकर ही नहीं पहुँच रहा है वहाँ तक। तो बचा एक ही ऑप्शन, वो था कनेक्शन स्ट्रोक, वाइट से वाइट को कनेक्ट करना, और ये बहुत ज़्यादा टफ स्ट्रोक है। मैं बोलूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा कोई मुश्किल कॉइन लगती है तो वो ये ऐसे कनेक्शन होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन जो एक लाइन में नहीं होते हैं और फिर भी हम उसको पॉकेट कर पाते हैं, तो ये अच्छा स्ट्रोक होता है। और इसके बाद में ये आई, तो यहाँ पर हमने 2 पॉकेट 2 अटेम्प्ट किया, तो एक उसमें से स्ट्रेट कट सक्सेसफुल, और कनेक्शन तो वो पॉकेट पर ही लगा था, अगर सिंगल भी मारते तो भी कनेक्शन काफ़ी इजी था, लेकिन मैंने 2 पॉकेट 2 अटेम्प्ट किया तो एक तो जानी ही है उसमें कंफर्म। तो पहली कॉइन हमेशा परफेक्ट लगाओ, और उसके बाद में दूसरी कॉइन पॉकेट पे आ गई, और ये लास्ट कॉइन अगर जाती है तो ये एक हो गया और एक ब्रेक टू फिनिश, तो यानी कि आज के दिन का दूसरा ब्रेक टू फिनिश था ये। तो ये अब फिर से हम कोशिश करेंगे कि ग्रैंड स्लैम मतलब जो ब्लैक भी ख़त्म कर ले। तो ये सीधी हमने मारी, जो जो थंब में थी वो सीधी थंब मारे, उसके बाद में सीधी जो जा रही है उसको मार लेते हैं। उसके बाद एक और कनेक्शन है, देखो ये भी थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, तो ऐसे कनेक्शन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो वो थोड़ा संभल के मारना होता है। तो वो जो गलती मैं कल किया था वो आज मैं नहीं दोहराऊंगा, तो वही मैंने दिमाग में रखा। अब यहाँ पर 3 कॉइन है, तो एक कॉइन से एक निकालेंगे, दूसरी कॉइन से दूसरी निकालेंगे। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इससे पहली कॉइन जो है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में दोनों को निकालने की कोशिश की है हमने और वो निकल गई, तो जो निकली वो कॉइन, ये जो कॉइन ही आसान हो गई, तो ये एक बहुत ही बैड मिस हुआ, बहुत ज़्यादा बैड मिस मैं बोलूँगा। और दूसरी कॉइन से देखो ये जो डिफ़िकल्टी वो निकल गई, तो एक सिली मिस था, बहुत सिली मिस्टेक था, वो हो गया, और उसके बाद ये कॉइन गई, तो एक ग्रेट मिस्ड वाइट स्लैम है ये, अल्टीमेट स्लैम है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे नीचे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। My Karam is the specialized online store of the Karam boards. If you are looking for Karam board, stand, lamp shades, Karamin, striker, powder, Karam cover, Karam pockets or any other Karam accessories,
My Carom is the one-stop solution, 100% original and genuine products you will get on My Carom Visit website. If you have query or doubt, call 888-987-57038.